दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। इनको मार दिया, ले लेके गया था इतवार के दिन, ले लेके जाके मार दिया सर उन लोगों, उन्हें मेरे बच्ची को भी, वो बच्ची को भी ले लेके गया सर। 2 साल की है सर बच्ची, 2 साल की है। इतवार के दिन रात में लग गया सर, अच्छा लग गया, मेरी बहन को ले लेके गया, ले लेके जाके मैं ला तुम बोल के भरोसे से हर टाइम नंदनकन जाती हूँ, उन्हें बोल के बहनों के पास जाती बोल के उसको भरोसा था सर। हमारी बहन आती बोल के आधी रात को भी, रात के 2 बजे भी ले लेके जाता, मर्द है ना, मर्द के साथ जाती बोल के मार दिया रूम पे, ले लेके जाके कहाँ की दोस्त के रूम पे ले लेके जाके मार दिया सर उसको, हमारे बहन को मार दिया सर। उन्हें साफ चाहिए हम आपको सब में थी, सुने थी हमारी घर की जान थी, हमारी अम्मी देखा था दीवानी, हमारे बहन देखा था दीवाने, हमारी शहर की शान थी, उन्हें शान थी हमारे घर में, हम मार दिया सर। बच्ची का भी पता नहीं है, बच्ची को भी ले लेके चल गया, बच्ची को मारा नहीं, मारा नहीं मालूम, उसके पूरे बहना भी है साथ, इसके हाथ में हाथ है, उसके पूरे बहना भी साथ में है, पूरे बहनों कन जाके बच्ची को छोड़ा, बच्ची बहना का पूरे है, हर हमेशा मेरे घर में रहती थी, 3-4 साल से शादी जब से मेरे घर में थी, अच्छा बुरा सब मैं ही मेरे भैया मिल के देख लेते थे, इतवार के कभी भी जाना आना दोनों का था, जाते आते थे समझ के यही भरोसे पे छोड़ डाली मैं। इतवार को शाम में हम दोनों जाके गच्चुप खा ले के आए, गच्चुप खा के आके उस तोते में 10:30 को आया उसका मरद, आया सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, बैठ के करके ले लेके गया, बुरखा पहना लिया, पहना ले के ले लेके चले गया, 10:30 को क्या हुआ, 10:30 को ले लेके गया, ले लेके जाके दूसरे दिन आया हमारे घर को, हमारे बड़े बहन के घर को आया, बड़ी बहन का ना आया सोते को, बड़ी बहन कपड़े मेरे घर को लाई, घर को आया मेरे डायरेक्ट, कपड़े चेंज कर दिया सर, कपड़े चेंज करके चले गया। फिर क्या करा, मंगल शादी में के दिन शाम में 1 बजे रात को आया, 1 बजे रात को आके क्या बोला, आया ऑटो की चाबी मेरे हाथ में रख दिया, सोनी लो ऑटो की चाबी बोल के बोला, बोले बाद से क्या करा ऑटो की चाबी दे दिया, बानो भैया बच्ची को लाओ ना भैया, बानो बच्ची को लाओ, उसके बाद अपन बात करेंगे जो भी ऑटो का बोले थे, नहीं सोनी मेरे दोस्त के घर में रखा, मैं ला तुम बोल के बोला सर, अभी तक लाने का पता नहीं है। फिर दूसरे दिन जुमेरात के दिन आए 6:30 पौने 6 को सरकर साहब बुलाओ उनके डैडी को ले लेके आया, ले लेके आके नहीं हम आपको पूछ रहे डैडी से तुम्हारी बहन कहाँ रहती क्या है, बोले तो हम लोग बोले हमारे भैया के साथ गई, भौने के साथ गई, आती होंगी, 5 दिन हो गया सर संडे के दिन गई, अभी तक नहीं आई बोल के बोले, बोले बस है नहीं फोटोज बतलाए हम आपको, यही चाहे क्या तुम्हारी बहन, बोले तो हाँ हम लोग नहीं पहचाने हमारी बहन को, कपड़े जो कपड़े पहन के गई ना ये कपड़े थे हमारी बहन को, लाओ भैया बच्ची को लाओ, बोले तो मैं कपड़े ला लिया, मैं बच्ची है दोस्त के घर में, दोस्त बीवी दोनों मिलके ला तुम बोल के बोला, आया घर में सो गया मेरे, मार के आके सो गया साहब, फिर अभी तक आता है ना पता, मारा बोल के भी नहीं बोला हम लोगों को, अगर बोला तो हम लोग नहीं छोड़ते थे साहब, अच्छी खासी गई हंसते बोल के गई हमारे घर से 10:30 को हो रहा था इतवार के दिन गई साहब, अभी तक आता है ना उसका पता है, कल 3 दिन के बाद लाश मिली कहते कहाँ मिली नहीं मालूम, उसके बाद 4th दिन 5 दिन के बाद हम लोगों के घर को आके इंक्वायरी करे तो ख़त्म है इसने साहब, उतना बड़ा गुनाह हुआ साहब हमारे साथ, बच्ची को भी नहीं है साहब, बच्ची भी गए थे साहब, बच्ची को मारा नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम सर हम आपको, बच्ची सही सलामत हो ना, अगर तुम लोग नहीं लेते थे हमारे हाथ को छोड़ दो, हम लोग जो करना कर लेते, बच्ची सही सलामत मिले बस से जो करना है हम कर लेते, बच्ची होना मेन बच्ची, अब 10:30 पे हो जाए, 10:30 से सरकार क्या बोले देखते बोल के बोले इंक्वायरी करेंगे, मारेट पीएस में भी थोड़ा बहुत करते।